नमस्कार सभी को, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल ओम शिक्षा आकार में। मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कौन कौन से योग्यता या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित किया गया है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित वे सारे विद्यालय उनमें एक शिक्षक बनने के लिए आपको गवर्नमेंट परमानेंट टीचर बनने के लिए CTET एग्जाम्स को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप CTET एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को निर्धारित किया गया है और इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि वे कौन कौन से सारे क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया देखा जाता है वो है बेसिकली एप्टीट्यूड और एबिलिटी। अब एप्टीट्यूड को हम समझ लेते हैं कि एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। जैसे कि एप्टीट्यूड का एक शब्द मैं अगर मैं बोलूं तो इसको कहते हैं जन्मजात क्षमता, यानी कि आप में वे सारी कैपेसिटीज जो कि बाय बर्थ है उसको जाँच किया जाता है। जैसे कि अगर आप में कोई एक्सप्लेनेशन स्किल है, जैसे कि कुछ कुछ लोगों में ये स्किल होती है कि वो एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बड़े पेशेंस के साथ समझा सकते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि इसको समझाओ तो वो उसको समझा नहीं पाते, उसको सॉल्व कर देंगे लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, उसको तरह तरह से उसको समझाते जाएंगे, बोलते जाएंगे और तब तक बोलते जाएंगे जब तक कि वो सामने वाला उसको बात को पूरा ना समझ ले। तो ये जो एक्सप्लेनेशन स्किल है ये अपने आप में एक एप्टीट्यूड आता है। साथ में एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी कि अक्सर प्राइमरी स्टेज पर जो होता है वो वुमेन्स को कंसिडर किया जाता है टीचिंग के लिए। क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि उनमें जो जन्मजात क्षमता होती है वो होती है ममत्व, यानी कि ममता उनमें बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा होती है और साथ में वो उनमें पेशेंस भी बहुत अच्छा होता है बच्चों को हैंडल करने में। वहीं पर ये देखा गया है कि अगर हम मेल्स के साथ तुलना करते हैं तो मेल्स में क्या होता है, पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, वो थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जो कि छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए वुमेन्स को जल्दी कंसिडर किया जाता है क्योंकि वुमेन्स में जो एप्टीट्यूड जन्मजात क्षमता होती है वो ममत्व और पेशेंस की ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे व्हाट इज एप्टीट्यूड, और एबिलिटी भी वही है कि योग्यता, आप में योग्यता है या नहीं। अब जब आपने बीएड या डीएड वगैरह की ट्रेनिंग ली होगी तब आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, तो वो सारे स्किल्स आपने सीखे या नहीं सीखे, आप में वो एबिलिटी जो है जनरेट हुई कि नहीं कि आप एक अच्छे टीचर बन सके, तो इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मापने की कोशिश की जाती है। CTET एग्जाम्स को कंडक्ट करने का बेसिक उद्देश्य यही होता है। अब हम डिटेल्स में देखते हैं कि योग्यताएं कौन कौन सी है जो आपसे अपेक्षित है, जो CBSE अपेक्षा करता है इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर वन के लिए, यानी कि वे एस्पिरेंट्स जो कि क्लास 1 to 5 एक से लेकर के कक्षा 5वीं तक पढ़ाने की रुचि रखते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वे सारे जो बच्चे हैं, वे सारे विद्यार्थी हैं जो पेपर वन सिलेक्ट करेंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आप 12वीं पास हो, 12वीं भी ऐसे वैसे नहीं, 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया होगा 12वीं, या फिर 12th का एग्ज़ाम आपने 50% से पास किया हो तब, और उसके साथ साथ में आपको DLED यानी कि आप DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, या 2 साल का जो डिप्लोमा होता है या आपने पास कर लिया हो, उसकी डिग्री ले ली होगी, डिप्लोमा ले लिया होगा, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तब जाकर के आप इसको एलिजिबल होते हैं CTET फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ और क्राइटेरियाज भी दिए हुए हैं जो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो भी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो दूसरी क्राइटेरियाज क्या क्या है, पहला है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि अगेन आप 12th पास होने चाहिए एटलीस्ट विथ 45% मार्क्स, ठीक है, एक तो पहला ये, और उसके साथ में आपको 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका या तो कंप्लीट हो गया हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हो,
तभी जा करके आप CTET एग्जाम्स को में अपियर हो सकते हैं। और इस बात को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डिप्लोमा या डिग्री बीएड या फिर डिप्लोमा आपने किया है वो सारे के सारे ऐसे कॉलेज से किए हैं जो कि NCT नॉर्म्स के फुलफिल करते हैं और वहाँ के रेगुलेशंस के हिसाब से हो, तो NCT से मान्यता प्राप्त हो, इस बात को अच्छे से आप देख लीजिएगा अगर भविष्य में आप CTET के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। तो इस तरह से दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया 12+ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और 12 जो है वो 45% से होना चाहिए। अब अगर आपका ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो वे स्टूडेंट्स जो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इसके साथ में आपने 4 साल का बैचलर्स डिग्री किया हो, BLED यानी कि जो आजकल जो अभी इंटीग्रेटेड चल रहा है वो आपने 4 ईयर का आपने किया हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने लिया हो, तब जाकर के आप CTET एग्जाम पेपर 1 के लिए अपियर हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपका ये 3 नॉर्म्स या क्राइटेरिया भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपका चौथा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि या तो आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स में आप 50% मार्क्स के साथ में आपने पास किया हो और साथ में आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा में आपने 2 साल का डिप्लोमा लिया हो, या फिर 12 आप और साथ में आपने 12 विथ 50% मार्क्स आपने किया हो तो भी आप CTET एग्जाम पेपर 1 के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं और बेधड़क CTET एग्जाम्स को के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं पेपर 2 के लिए वे एस्पिरेंट्स जो कि क्लास 5-6 पढ़ाना चाहते हैं, है ना, वो पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए अगर वो CTET का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CBSE ने डिसाइड किया हुआ है वो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में आपके पास में फाइनल ईयर ऑफ अ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED आपके पास होना चाहिए अलॉन्ग विथ ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, तो अब DLED में भी या तो आपने उसको पास कर लिया हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में अपियर हो रहे हैं तो भी आप CTET के एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब अगर ये भी क्राइटेरिया इसके साथ में और भी क्राइटेरियाज है जैसे कि या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, ठीक है, और साथ में आपका क्या पास होना चाहिए BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, आप या तो उसके फाइनल ईयर में हो या फिर आप उसको पास कर चुके हो, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है प्लस आपके पास बैचलर डिग्री है जिसमें आपने 45% मार्क्स एक्वायर लिए हैं तो आप उसमें अपियर हो सकते हैं। फिर से मैं आपको कहूंगी कि बीएड हो या डिप्लोमा हो कोई भी हो वो NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही आप जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए ही आपने डिग्री ली है तो आपका बीएड और डिप्लोमा मान्य है, तो इस हिसाब से आपका ये क्राइटेरिया होता है। अब नेक्स्ट अगर आपका वो भी नहीं है तो उसके अलावा आपका एक और क्राइटेरिया जो CBSE दे रही है वो ये है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने 45% मार्क्स लिया हो, साथ में आप बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विथ NCTE ये आपने किया होगा तो भी आप CTET के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी आपके सामने क्राइटेरियाज है वो ये है कि सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स और कैंडिडेट्स ने 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में या तो वो कर चुका हो या फिर उसके फाइनल ईयर में हो तो वो भर सकता है यानी BLED विद सीनियर सेकेंडरी 50%, ठीक है, तो ये आपका एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल कर अगर आपने किया हुआ है या कर रहे हैं तो भी आप CTET के एग्जाम में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर है अगर आपका ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है वो ये है सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स आपके रहे हों या फिर आपने फाइनल ईयर में आप अपेयर हो रहे हैं या फिर आप पास आउट हो चुके हैं
फोर ईयर बीए बीएससी एड और बीए एड बीएससी एड, यानी कि अभी जो चार साल का इंटीग्रेटेड चल रहा है जिसके अंदर आप बीए बीएड बीएससी बीएड ये आप कर सकते हैं, चार साल का है। तो या तो आपने वो कंप्लीट कर लिया हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में अपेयर हो रहे हैं तो फिर तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने उसके साथ में 12वीं विद 50% आपने एक्वायर किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पेपर वन के लिए थे और पेपर टू के लिए थे, जिसके अंदर आप अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप बेधड़क जाकर के CTET का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम ये देखते हैं कि कुछ वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है CBSE ने कुछ कौन सी ऐसी चीज़ें रखी है जिसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसका मकसद क्या होता है, और उसके बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो मेरी समझ से आप उस चीज़ को भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला होता है वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि क्या होता है कि वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, यानी कि बहुत समय पहले कोई चीज थी और वो आज के समय भी क्या उतनी ही वैध है, क्या उतनी ही उपयोगी है, इस बात की जांच जो होती है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो भी लेते हैं बोर्ड, वो उनका लक्ष्य रहता है इस बात की माप करना। यानी कि जैसे पहले के समय में ऐसा होता था कि जो कन्वेंशनल टीचर्स थे वो बहुत बुकिश थे और हम किताब पढ़ करके आ जाते थे क्लास में, कंटेंट डिलीवर करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। अगर टीचर को कैमरा में फेस करके अपने चीजें गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग के द्वारा उनको अपना अगर वो कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते, अगर वो कहीं पे टेक्निकली बहुत स्लो है, तो वो क्या होंगे, आज के समय के हिसाब से उनकी टीचिंग जो है लाख अच्छी हो लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वैलिडिटी जो हो जाती है एक बार क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे समय जब बदलता रहता है तो बहुत सारा स्किल्स, बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज बदलते हुए समय के साथ आपकी मैच कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात की जांच करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लिया जाता है। दूसरे जो उनका जो रीजन होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने का, वो ये होता है कि फेयर कॉम्पिटिशन हो, किसी को भी ये ना लगे पूरे देश में कि इतने सारे बच्चे बैठे और कुछ अपने अपने लोग थे और उनका सिलेक्शन हो गया। इसी फेयर कंपटीशन को रखने के लिए क्या किया जाता है, सारे देश के लोगों से जो भी एलिजिबल होते हैं उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है। साथ में OMR शीट दी जाती है और सबकी कॉपी बिना पक्ष के आपकी जाँच हो सके इसीलिए OMR शीट के द्वारा कर दी जाती है। नंबर तीसरा होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस में थर्ड रीजन जो होता है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने PG लेवल की डिग्री ले ली या फिर 12th कर लिया, उसके बाद अगर आपने BEd किया है तो BEd एज अ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स जहां पर आपको टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है, तो ये स्किल्स आपने सीखी या नहीं सीखी और आप में वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई या नहीं हुई, इस बात की जांच क्या करता है, CBSE करता है। नंबर फोर्थ हो गया लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस मतलब अगर किसी का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं निकला है तो वो उसके लिए लीगल मैटर के तहत वो कोर्ट में जा सकता है, इस बात की स्वतंत्रता होती है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया या फिर रॉन्ग उसका आंसर है, तो यहाँ पर कोई भी क्लेम कर सकता है। तो ये लीगल इश्यूज भी इसके साथ में इंक्लूड किए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी कैंडिडेट जो है वो सबके साथ न्याय हो सके। लीगल का मतलब ये हुआ बाय लॉ, है ना। तो आपको क्या कानूनन रूप से आपको पूरा अधिकार होता है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपेयर हो सके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके। नंबर फोर्थ जो होता है वो ये रीजन होता है कि भाई आपको इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। आपने BEd कर लिया, MEd कर लिया और या DEd कर लिया और उसके बाद में क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको CTET का जब सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट जो होता है आपकी बहुत आपकी जो वैल्यू होती है आपकी डिग्री की उसको बढ़ा देता है। वो सीधा सीधा ये प्रूफ कर देता है कि आपने CTET क्लियर किया, यानी कि आप जो नॉर्मल BEd वाले हैं उनसे आप ज्यादा एलिजिबल हैं आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती है उसके अवसर जो है वो काफी बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, के लिए आप सीधा सीधा एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर सिक्स हो गया प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना। देखिए टीचर तो सभी कोई होते हैं, जैसे कि आप जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ सबसे पहले टीचर है, सारे दिन पूरी फैमिली के सारे लोग एक बच्चे के टीचर ही बने रहते हैं, वो सारा दिन उसको ये बताते रहते हैं ये करो वो नहीं करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप BEd करते हैं तब आप चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को सीख रहे हैं और भी बहुत सारे पेडागोजीज वगैरह को सीख रहे हैं, तो वहां पर आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
आपकी टीचिंग क्या हो जाती है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग है फैमिली में या फिर कहीं और पे, उससे अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी की जांच आप सीटीईटी के द्वारा अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करके दे सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो प्रूफ हो जाएगा कि आप में प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस। भाई बीएड तो लाखों की संख्या में लोग कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने अच्छे से किया, उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो क्वालिटी की जांच करने के लिए क्या होता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि कोयला निकलता है तब उसको क्या करते हैं, बहुत सारे सांचों में उसको ढाला जाता है, परखा जाता है, तब वो डायमंड बनता है। तो वैसे ये जो सीटीटी का एग्जाम्स है ना, वो भी आपका बीएड के स्किल्स को, बीएड के डिग्री को लेने के बाद में ये सारे आपको जो एग्जाम से गुजरना पड़ता है, ये आपको एक हीरा बनाता है, और फाइनली वो क्या होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाता है और वो सर्टिफाइड हो जाता है। जैसे हीरा सर्टिफाइड होता है, वैसे आप भी अपनी स्किल, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं, किसी को भी दिखाएंगे तो क्या होगा, आपका जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उसके अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण सीबीएसई या फिर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं। मैंने इनको इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया क्योंकि कई बार क्या देखा है मैंने कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या क्यों देना पड़ता है, उसके पीछे रीजन चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे आपके ये सारे रीजन है जहां पर आपको जिसका कि जो लक्ष्य रहता है सीबीएसई का, आपको सीटीईटी के एग्जाम्स के द्वारा इन सब चीजों का मेजर करने का। अब इसके बाद सीटीईटी का जो क्लासेस है वो मैं शुरू करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, और जिसके लिए आप इस वेबसाइट https://drmanishavijayvargiya.in, फिर से रिपीट कर रही हूँ, drmanishavijayvargiya.in में जाकर के आप वहां से अपने लिए एक स्ट्रेटेजी कॉल वो बुक कर सकते हैं, और जहां से आप सीधा सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें ये पूरी तरह से फ्री है आपके लिए, और आप इसमें के द्वारा रजिस्टर करके आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है आपको इस के बारे में पूछने की, तो आप वहां पर आकर के पूछ सकते हैं कि आपका कोर्स क्या है, कब से शुरू हो रहा है और कितने दिनों में खत्म होगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहां से मिल जाएगी। यहां पर जब आप आके रजिस्टर करेंगे आपको मेरे से कॉन्टेक्ट होगा, आपको सारी डिटेल्स यहां से मिल जाएगी। तो अगर आप सीटीईटी के कोर्स में नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के द्वारा अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बात कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के नीचे में एक ज्वाइन करके बटन है, जो कि जहां पर आप ज्वाइन करके मिनिमम कुछ चार्जेस है वहां पर, वो करके आप वहां से भी मुझसे मिल सकते हैं। वहां से भी आप अगर आपके एजुकेशनल लाइफ में कोई भी हर्डल है जिसके कारण आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बाद में बाधा आती है या फिर आपके पढ़ाई में बाधा आती है, आप उससे संबंधित कोई काउंसलिंग है वो आप उससे ले सकते हैं। साथ में आप इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं, और ना केवल इतना ही बल्कि एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या परेशानी है तो आप मुझसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।